जोहार 90.4 FM पे मैं वैभवी शो लेकर आ गई हूँ बातों बातों में। जैसा कि हम जानते हैं आज 3 जून है और 3 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। साइकिल जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और साथ ही हमारे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त भी होता है, क्योंकि इसी साइकिल से हमारे कई सारी यादें जुड़ी होती हैं, चाहे फिर वो हो जिद करके साइकिल खरीदवाना या फिर घुटने तोड़वाकर घर रोते हुए आना। और इसी साइकिल के बारे में हम बात करेंगे आज, और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कनिष्क पोदार जी, जो कि रांची बाईसाइकिल मेयर हैं और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेयर हैं उसे हम बाइक्स नाम से जानते हैं। और ये बाइक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ से आई हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर एक राज्य में काम करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इससे अधिक जानकारी आपको कनिष्क पोदार जी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं उनका स्वागत तो कर लूँ हमारे स्टूडियो में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो खांची 90.4 FM पे। धन्यवाद भाभी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ यहाँ बैठ के। और मैं बताना चाहूँगा कि साइकिल मेयर तो एक उपाधि है, बट जैसे आपने कहा कि बचपन की यादों से ये ताजा हम लोग हो जाते हैं साइकिल चला के, तो ये सबसे खूबसूरत बात है कि साइकिल चलाने से आप रियलाइज करेंगे कि कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है। आप गाड़ी में जाते हैं तो लगता है कि ये बड़े हैं, जो साइकिल में जाते हैं हम रियलाइज करते हैं कि सब एक बराबर हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और जहाँ तक मेरी बात आती है, मैं बाइसिकल मेयर हूँ रांची का। ये उपाधि मुझे नीदरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन बाइक्स ने दी है, और ये उपाधि से मुझे जो काम करने पड़ती है, मैं कई सारे साइकिलिंग इवेंट शहर में ऑर्गेनाइज करता हूँ और सरकार और लोकल साइकिलिंग कम्युनिटी को साथ में जोड़ता हूँ और उनके बेनिफिट के लिए सरकार के थ्रू कुछ काम कराता हूँ। जैसे पिछले साल आप देखे होंगे रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरह नो कार शनिवार करके एक अभियान चालू हुई थी जी। तो ये अभियान हम लोगों ने मिल करके चालू कराया था। उसी तरह आपने चार्टर्ड बाइक का सेवा यहाँ पे चालू हुआ है, जो हम लोगों ने कई सालों से पुश किया सरकार को कि करना चाहिए, तो अब वो पूरे रांची में चार्टर्ड बाइक की सेवा उपलब्ध है। तो इस तरह से हम लोग कई सारे और चीज कर रहे हैं। रांची में जल्द ही एक नया साइकिलिंग ट्रैक बनने वाला है जी, तो ये काफी चीज अभी होने वाली है रांची में। सरकार बहुत उत्सुक रहती है साइकिलिंग के प्रति नए डेवलपमेंट करने में, कार्य करने में, तो इस तरह के काम हम लोग मिलकर करते हैं जी। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जान गए, लेकिन कनिक सर आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बचपन कहाँ गुजरा और अभी तक की आपकी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं खुद रांची से हूँ और अपर बाजार की गलियों में मेरी बचपन बीती है। मुझे याद है जब मैं 12 या 13 साल का था, साइकिल लेके मैं मेन रोड गया था और मेन रोड में वो साइकिल चोरी हो गई। तो उसके बाद से ना कभी साइकिल मिली और ना मैंने हिम्मत किया अपने पिताजी से साइकिल मांगने का। बट आज से कुछ साल पहले 2015 में फिटनेस के लिए कुछ अपने आप का वेट कम करना था और फिटनेस को लेकर मैंने साइकिल लिया और साइकिल चलाना चालू किया। और उस समय जो मेरी एक मोहब्बत हुई साइकिल से, जो अभी तक चल रही है। और जैसे मैंने बताया कि साइकिल में बैठते के साथ आपका फिटनेस फिजिकल तो ठीक होता ही है, बट आपकी मानसिक फिटनेस भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसके कारण मुझे साइकिल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और मैं रेगुलर चलाने लगा। और फिर इसी के साथ मैं साइकिल में घूमने भी लगा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में। मैं थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया में मनाली से लेह तक साइकिल से गया हूँ। तो ये सारे जर्नी मैंने साइकिल में किया है। अपने साइकिल रांची से वहाँ लेके जाता हूँ और वहीं पे चलाता हूँ। सारा सामान जो होता है 25 से 30 किलो का, जिसमें मेरा कपड़ा, मुझे साइकिल रिपेयर करने का सामान, सब मैं साइकिल में रखता हूँ और फिर आगे निकल जाता हूँ जी। सर मतलब आपका और आपके साइकिल का काफ़ी खास रिश्ता है जो आपने बना रखा है अपने साइकिल के साथ। सर अगर बात हम साइकिल की कर रहे हैं तो साइकिल के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक साइकिल से कहा जाता है कि स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे प्रकृति को भी बहुत बेनिफिट्स होता है। तो सर स्वास्थ्य से जुड़े क्या क्या फ़ायदे हैं साइकिल के? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइकिल के ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस हम लोग सब जानते हैं कि ये वेट कम करने में मदद करती है, ये हमारे हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है, हमारी नी या बैक की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करती है, आपको फिजिकली फिट रखती है साइकिलिंग करने से। लेकिन आपको ये मानसिक रूप से जो आपको स्ट्रेस होता है, आज के दिनचर्या में स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज़ है, डिप्रेशन बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसका भी इमीडिएट सॉल्यूशन आपको साइकिलिंग में मिलती है। तो ये मानसिक फिटनेस जो हम लोग बोलते हैं, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी होती है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स है और जो यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स है, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल आजकल सबसे ज्यादा रहता है, उनको ये बहुत जरूरी है कि आप साइकिलिंग
करिए, आउटडोर में रहिए, नेचर से करीब में रहिए, तो कि आप फिट रह सके मानसिक रूप से। बिल्कुल सर, और आजकल लोग जिम में जाकर साइकिलिंग कर सकते हैं उस मशीन पे, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में साइकिल को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है आज के टाइम में। और सर एक और क्वेश्चन मेरा है कि नेचर के लिए सर साइकिल किस तरीके से फ्रेंडली है, इस बारे में बताएं। हम लोग सब बोलते रहते हैं कि क्लाइमेट बदल रहा है, गर्मी हो रही है, पेड़ उगाना चाहिए, ये काम करो वो काम करो, लेकिन साइकिल एक ऐसा चीज है, जैसे आप साइकिल पे बैठते हैं और आप चलाना चालू करते हैं, आप एनवायरनमेंट को बचाना चालू करते हैं, आप नेचर को बचाना चालू करते हैं। साइकिल इमीडिएट एक्शन होता है, पेड़ जब लगा है, पेड़ उगेगा, बड़ा होगा, तब वो नेचर को बचाएगा। लेकिन आप जब साइकिल में बैठ रहे हैं, आपका इमीडिएट, आपने पेट्रोल कंजम्पशन कम हो गया, गाड़ी से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो गया, रोड में ट्रैफिक होता है वो कम हो गया, तो हर तरह से आप इमीडिएट नेचर को सपोर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप साइकिल में बैठ जाते हैं, इमीडिएट एक्शन होता है साइकिल में। जी, और सबसे बड़ी चीज सर, जो हमारे शहर में ट्रैफिक इशूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे अगर हम साइकिल पे आ जाते हैं, तो वो आई थिंक 50% तो सॉल्व हो ही जाएंगी जो ट्रैफिक इशूज आते हैं। बिल्कुल 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 जी। वैभवी के साथ स्टूडियो में बने हुए हैं कनिष्क पोदार जी, जो कि रांची साइकिल मेयर हैं, और इनसे हम काफी सारी बातें कर रहे हैं साइकिल के ऊपर। तो अगला जो मेरा सवाल है वो इनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड साइकिल डे पे जो इन्होंने सेलिब्रेशन किया है, धुरवा डैम से लेकर बिरसा चौक तक जो इन्होंने साइकिल रेस लगाया है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। जो आपने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, इस इवेंट का मोटिव क्या था सर, इसके पीछे क्या वजह? तो ये जो इवेंट मैंने आज किया है, ये धुरवा डैम से चालू होकर बिरसा चौक तक गई थी। ये जो धुरवा डैम से हमने चालू किया, इसकी इम्पोर्टेंस इस बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो धुरवा डैम के ऊपर में रोड है, आप लोग सब वहाँ शहर से लोग जाते हैं घूमने के लिए, आप देखते हैं वहाँ पे स्पीड में बाइक और गाड़ियाँ चलती है, और उसी के साथ में वहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या जो कसरत करते, योगा करते, रनिंग करते, सब जाते हैं, साइक्लिस्ट साइकिलिंग करते हैं वहाँ पे। तो ये जो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वहाँ पे मोटरसाइकिल और गाड़ी का आगमन बंद करें वहाँ पे, उससे एक्सीडेंट भी होता है, उससे जान को हानि भी पड़ती है। तो ये अगर सरकार करती है तो ये पूरे इकोसिस्टम को वहाँ का, एक वो जगह को साफ रखेगी, जगह को फिट रखेगी, लोगों को फिट रखेगी, और इवन डैम जो है वो जो पॉल्यूशन से खराब होती है पानी, उसकी जनजीवन खराब होती है उस डैम की, वो भी ठीक रहेगी। जी बिल्कुल सर, और अगर हम किसी इलाके को साइकिल जोन बना देते हैं तो लोग मजबूरन ही सही कम से कम साइकिल चलाएंगे तो सही, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। और सर एक आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पे? मैंने जैसे बताया आपको कि साइकिल जो होता है वो मोबाइल फोन से भी सस्ती होती है, और मोबाइल फोन आपको हर साल बदलनी पड़ती है, साइकिल आपको एक बार लेने से जिंदगी भर चलती है, आपकी सेहत को ठीक रखती है, आपकी मानसिक हालत को ठीक रखती है, और आपके पॉकेट को ठीक रखती है, वो हर साल आपको लाखों रुपया बचा सकती है, हजारों रुपया बचा सकती है। तो हर तरह से साइकिल लेने से, साइकिल पे चलने से आपको फायदा ही फायदा है। और रांची जैसे शहर में जहाँ पे अधिकतर डिस्टेंस जो हम लोग एक कवर करते हैं वो 2 से 3 किलोमीटर होता है, आपको घर से ऑफिस जाना है, या घर से आपको कुछ किराने दुकान से सामान लेना है, या कोई बगल में शॉपिंग सेंटर में जाना है, हर जगह 2 से 3 किलोमीटर में हो जाता है, जो आप आराम से साइकिल से कर सकते हैं। हमारे यहाँ चार्टर्ड बाइक सेवा भी है, जिनके पास साइकिल नहीं है तो वो चार्टर्ड बाइसिकल लेकर के जा सकते हैं, और इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, शहर को भी बेनिफिट मिलेगा कि ट्रैफिक कंजेशन नहीं रहेगा, प्लस जो आप गर्मी देख रहे हैं रांची का हो गया है तो वो भी सुधार आएगा, यहाँ पे वेदर वापस पुरानी रांची जैसे होने लगेगी। तो हर तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट है साइकिल को लेने से। तो आप सबसे आग्रह है कि आप कल से, आज से, अभी से साइकिल चलाना चालू करें। बिल्कुल, साइकिल को अपने लाइफ में अपनाएं, और कुछ नहीं तो अपने स्वास्थ्य को तो अच्छा रखने के लिए साइकिल को अपनाना बहुत ही आवश्यक है, और साइकिल से हमारे हेल्थ को बहुत अधिक फायदे हैं, साथ ही हमारे पर्यावरण को फायदे हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9472786904, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम या FB के माध्यम से फॉलो या वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, साथ ही radiokhanchi.in के माध्यम से लाइव कहीं भी किसी भी शहर से सुन सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।